अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरुपैषुनम् दया भूतेश्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रेरचापलम् तेजः क्षमा धृतिर्शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिचातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोध पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुच संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृतिं च निवृतिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः शयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानं मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा
अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतान मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदं मध्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्यसि मनोरथम् इदं अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवान् अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विष्यन्तोऽप्यसूयका। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरिं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्।
इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके।